नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार की राह में कांटे तो बोएगी ही। नीतीश आरजेडी और कांग्रेस की मदद से सरकार बनाए, उसके पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। आरजेडी के 18 विधायकों की सदस्यता किसी भी वक्त जा सकती है। वजह यह कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ विधानसभा में हुए दुर्व्यवहार मामले में अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी है। अनुशासन समिति ने आरजेडी के 18 विधायकों को दोषी बताया है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष सभी दोषी विधायकों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कभी भी इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो भाजपा एक बार फिर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और आरजेडी के 18 विधायक कम हो जाएंगे। हालांकि इस बात से नीतीश कुमार की बनने वाली सरकार को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन सत्ता का जो मजा लेने की तैयारी कर रहे हैं उनका मजा तो किरकिरा हो ही जाएगा। वैसे भी नए सहयोगियों के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार पहली फुर्सत में विधानसभा अध्यक्ष को ही बदल डालेंगे, इसलिए मौका भी है और दस्तूर भी कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा 18 आरजेडी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच 7 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालांकि एक दिन बाद ही उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। ऐसे में वे काम पर लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।